हेलो एवरीवन, आज का सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। आप जब ट्वेल्थ में आए होंगे तो आपको इतनी सिंसियरिटी से डीयू में एडमिशन लेने का प्रोसेस नहीं पता होगा कि सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा और सीयूईटी के बाद जो है आपको कितने सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आपने अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई शुरू की होगी और आपने यही सोचा होगा कि सीयूईटी हम ट्वेल्थ के बाद ही देखेंगे, तो आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पर ही मेहनत की होगी। ऑब्वियसली लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को इतनी सीरियस नहीं लिया होगा। जैसे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम खत्म हुए होंगे उसके बाद आपने सीयूईटी पर रिसर्च करना शुरू किया होगा और सीयूईटी का प्रोसेस क्या होता है आपने देखा होगा। तो सीयूईटी के एग्जाम का आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगा होगा प्रोसेस। उसमें लैंग्वेज होती है, डोमेन होते हैं, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, डोमेन के लिस्ट ए और लिस्ट बी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉम्बिनेशन थे, 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम था, तो बहुत सारी काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट रही होगी। उसके बाद आपको बड़ा कन्फ्यूजन के बाद आपने कुछ चॉइस फिल की होंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं, डोमेन कौन कौन से चूज करने हैं, कितने सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं। कुछ ने जनरल टेस्ट फिल किया होगा, उसके बाद जनरल टेस्ट को रिमूव कर लिया होगा अपने चॉइस ऑफ टेस्ट में से। उसके बाद काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन के बाद आपने अपना एग्जाम दिया होगा। एग्जाम देने में भी आपको काफ़ी तकलीफ हुई होगी, कुछ टेक्निकल ग्लिच हुए होंगे, कुछ के एग्जाम पोस्टपोन हुए होंगे, तो काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद फाइनली आपका जो है रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट में भी आपका पहले रॉ स्कोर आया, आंसर की आई, आंसर की भी 3 बार रिवाइज हुई। उसके बाद आपका नॉर्मलाइज स्कोर आया, नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद आपका रॉ स्कोर आया, नॉर्मलाइज स्कोर आया, फिर उसके बाद आपकी रैंक आई, रैंक आने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग हुई, प्रेफरेंस शीट की फिलिंग हुई, उसके बाद प्रेफरेंस शीट का पहली जो है उसका रिजल्ट आया है। तो ये सारा बताने का प्रोसेस ये है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, कोई भी प्रोसेस उस टाइम पीरियड के लिए ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आप ब्रॉडर परस्पेक्टिव में देखें, थोड़े बड़े स्केल पर देखें तो बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है। आज भी आप जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आज जो प्रॉब्लम आपके सामने है, जिनको कॉलेज मिला है, जिनकी पहली प्रेफरेंस मिल गई है, सबसे पहले तो उन्हें बहुत बहुत बधाई। जिन्हें प्रेफरेंस नहीं मिली है उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि अब इसे हमें अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि जो आपकी वैकेंट सीट्स आएंगी वो किस बेसिस पे होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब जिसको डीयू में एडमिशन मिला है, चाहे कॉलेज खराब मिला है अच्छा मिला है, उसे अपग्रेड करना है या नहीं करना है, उससे एक बार तो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अपने प्रेफरेंस। अगर उसने एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की वो सीट वेकेंट दिखाएगा या किस बेसिस पे वो दिखाएगा कि उसे अपग्रेड करना होगा या फ्रीज करना होगा। इस हिसाब से देखें, सभी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया होगा तो ऑलमोस्ट सभी सीट्स फिल हो गई होंगी, तो उसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें किस बेसिस पे आपका रीऑर्डर होगा वो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन है, क्योंकि वेकेंट लिस्ट का पैटर्न जो है वो किस बेसिस पे रहेगा। अभी तो एक बार सबने एक्सेप्ट कर ही लिया तो वेकेंट सीट उनको शो होगी या नहीं होगी, या फिर वेकेंट सीट नहीं होने के बावजूद भी वो अपग्रेड का ऑप्शन शो करेगा, वो एक बार देखना बाकी है जब वैकेंसी लिस्ट आएगी। आपके जो रीऑर्डर होगा ये बात क्लियर है, वेकेंट सीट के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि जिनको एकदम प्रेफरेंस उन्होंने तरीके से भरी है, प्रेफरेंस शीट एकदम सिक्वेंस और एकदम लॉजिकल तरीके से भरी है, उन्हें तो ऑब्वियसली अपग्रेड करने में आसानी होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की चॉइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदल गई हैं, उन्होंने जिस कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन चूज किया था वो अब चेंज हो गया है। एग्जाम्पल के लिए मेरे एक स्टूडेंट है, उसने अपनी प्रेफरेंस शीट भेजी मुझे, उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल उसने बताया था मुझे 30th नंबर का मुझे जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है। अब उसे अगर 30th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है तो अब उसकी प्रेफरेंस जो है 28 और 29 उसे नहीं चाहिए, तो उसको डर है अगर उसने अपग्रेड कर दिया या 28 या 29 में से कोई उसे मिल गया तो उसका क्या होगा। जैसे कि सपोज उसको अभी 30th नंबर की प्रेफरेंस मिली है, उसका कहना है कि जो 29 और 28 है वो उसको अब नहीं चाहिए, बाकी सारी उसको लेनी है। अब उसका डर ये है, उसने इनको रीऑर्डर किया और उनमें से ये मिल गया कोई तो उसके लिए तो लॉस हो जाएगा, तो क्या वो 30th नंबर की जो प्रेफरेंस है उसे फ्रीज कर दे या फिर अपग्रेड करे। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकलेगा, जब आपके पास वैकेंट सीट्स आएंगी, किस कॉलेज में जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें वैकेंट सीट्स कितनी हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हमें इसके लिए अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। तो तब तक आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अपग्रेड करने का या फ्रीज करने का। फीस लास्ट जो है पे करने की लास्ट डेट आज थी। आई होप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इजीली हो गए होंगे, पेमेंट फी जो है वो सब आपने करी दी होगी। अब आप अपग्रेड करके सपोज दूसरे कॉलेज में जाते हैं, जो फी डिफरेंस होगा वो आपके एडजस्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से, और उसकी फीस अगर कम हुई और आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो जो बैलेंस ऑफ द फी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा जो कन्फ्यूजन है वो आपके पास अपग्रेड करने का है, फ्रीज करने का है, तो डेफिनेटली इसका आंसर हमें वैकेंट सीट्स आने के बाद पता लग जाएगा। तब तक आपके पास ये ऑप्शन वैलिड रहेगा।
किस कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं वैकेंट, उसके हिसाब से आप अपग्रेड या फ्रीज का ऑप्शन जो है वो इजीली चूज कर सकते हैं। फिर भी मैं बता दूं आपको, हमने जो आपको प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड की थी कैटेगरी वाइज, जिसमें हमने जितने भी कॉलेजेस हैं किस कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, किस सीट्स की किस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं, किस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इन सब के लिए हमने प्रेफरेंस शीट आपको प्रोवाइड की थी। तो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है किस कॉलेज में कितने सीट्स थी, टोटल मेरी रैंक कितने थी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और जो टॉप 5 कॉलेज हैं मुझे उनमें से चाहिए या टॉप 10 कॉलेज है उसमें उनमें से ही चाहिए, उसे भी आपको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा। तो मेरा मानना यह है दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहला तो बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं होने वाले हैं, जो फर्स्ट कुछ टॉप कैटेगरी कॉलेजेस हैं उनमें अपग्रेड के चांसेस ना के बराबर हैं। सपोज आप टॉप 5 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपग्रेड होने का तो बहुत मुश्किल है, टॉप 10 में थोड़ा सा वेरिएशन होएगा, जो ज्यादा वेरिएशन आएगा अपग्रेड में वो आपका 25-30 वाले जो रेंज है कॉलेजेस की उनमें ही आएगा, या 20 के बाद समझ सकते हैं। टॉप 20 से पहले अपग्रेड के चांसेस बहुत कम है, तो आप अपने अपग्रेड कैसे करेंगे वो वैकेंसी के बाद पता चल जाएगा, लेकिन इस बार अपग्रेड होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे कॉलेजेस के। कुछ पर्टिकुलर कोर्स की बात करें से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स तो ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस होंगे, जो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं उसमें फिर भी काफी चांसेस हैं, साइंस में अगेन काफी कम चांसेस हैं आपके अपग्रेड होने के। एक बात और, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला है वो अब ज्यादा होपफुल नहीं रह सकते हैं, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कॉलेज मिलेगा। इवन दो आप अपने सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, कोर्स कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं, इवन दो चांसेस आर वेरी लेस, अगर बहुत ही रेयर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, सपोज आप फिजिकल हैंडीकैप या कश्मीरी माइग्रेंट इस तरह की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, या क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं या सिख माइनॉरिटी के हैं, तो फिर भी कुछ सीट्स उसमें स्पॉट काउंसलिंग तक भी खाली रहती हैं, वो स्पॉट काउंसलिंग में ही फिल होती हैं, तो अगेन आपके लिए बहुत कम चांसेस हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर CST में भी बिलोंग करते हैं तो भी बहुत कम चांसेस हैं आपके सीट्स अपग्रेड होने के। जिन्हों कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के रखें, अभी भी ड्यू के भरोसे ना रहें। जिन्हें कॉलेज नहीं मिला है बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही किस्मत अच्छी हुई तो कॉलेज मिलेगा, और मिलेगा तो आपको पता ही है वो एंड वाला मिलेगा। इससे बेटर है कोई और ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में अप्लाई किया हुआ है और वहाँ एडमिशन हो रहा है तो वहाँ लेना है आपको, नहीं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, कोई डाउट था कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।